आम आदमी पार्टी आपके बागी विधायक कपिल मिश्रा अक्सर चर्चाओं में रहते हैं। पार्टी छोड़ने के बाद से ही वह दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के ऊपर जुबानी हमला करते रहे हैं। ऐसे में अब इन दिनों खबरों की माने को कपिल मिश्रा जल्द बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। कपिल मिश्रा से मिलने केंद्रीय मंत्री विजय गोयल रविवार को उनके आवास पर पहुंचे और कहा कि भाजपा के दरवाजे उनके लिए खुले हैं। गोयल का यह दौरा 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा के राष्ट्रीय अभियान समर्थन के लिए संपर्क का हिस्सा था। केंद्रीय मंत्री ने मिश्रा से मिलने के बाद संवाददाताओं से कहा, जब से मिश्रा आपसे अलग हुए हैं, भाजपा के दरवाजे उनके लिए खुले हैं। पिछले साल दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने मिश्रा को दिल्ली सरकार से बाहर निकाल दिया था। इसके बाद मिश्रा ने केजरीवाल और दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। गोयल ने मिश्रा के सामाजिक कार्यों और सकारात्मक रवैये की प्रशंसा की। केंद्रीय मंत्री ने कहा, हमें कपिल मिश्रा जैसे दोस्तों की जरूरत है। पार्टी विधायक और जल संसाधन मंत्री कपिल मिश्रा को पानी की दिक्कतों की शिकायतें आने पर पद से हटा दिया गया। इसके बाद मिश्रा ने स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। बाद में उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया।